आज एक नया टॉपिक लेंगे अच्छा वाला कि हम पैदा कहाँ हो सकते हैं और हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए क्या चाहिए। और ये जो 31 जो लोक है वो कैसे हमें समझ में आता है, समझ में आना चाहिए, और मरण के वक्त ठीक कैसा वो जो प्रभावित होता है। आज शायद पूरा खत्म नहीं होगा और कल परसों में नहीं हूं, तो बाकी जो रह जाती है हम गुरुवार को लेंगे। ये अनिच्च दुख अनत्त के ऊपर ही है, लक्षण के ऊपर ही है, इसीलिए मैंने 31 जो लोक है उसको मैंने लिया, क्योंकि हमें याद में रखना पड़ेगा कि हमारा जो बर्ताव है, जो हम करते हैं, वो निर्भर करता है कि अगला पड़ाव कहाँ पे है। ये 31 के बारे में बात करने से पहले एक चीज हमें मुझे बात करनी है, वो है आपने ये परित में देखा होगा, भंते लोग या आप भी कहते रहेंगे, ये ऐसा होता है कि समंता चक्कवालेसु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजसा सुनन्तु स्वगमग्गदम्। तो अगर धम्म है तो धम्म आएगा, परित है तो परित आएगा, अगर परित कर रहे हैं तो परित सवन कालो अयम भदंता, परित सवन कालो अयम भदंता, परित सवन कालो अयम भदंता। या ये अगर हम धम्म देशना हो रहा है तो उस जगह पे आएगा धम्म सवन कालो अयम भदंता, धम्म सवन कालो अयम भदंता, धम्म सवन कालो अयम भदंता। आपने सुना है ना, जा आप मोनेस्ट्री में जाओगे तो ये होता है। आपने किसी ने देवता को देखा है? देखा नहीं है, आप देख सकते हैं। पहली बात यह है देख सकते हैं, दूसरी बात यह है कि एहसास कर सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों हो सकता है, इसीलिए ये समंता चक्कवालेसु है। तो पहले हमारा अगर मन में 10 अकुशल कम है, मतलब बहुत कम हो गया है, तभी हम ऐसे मन में बैठ के अभी यहाँ पे जो जितने भी उपस्थित है, अभी है इस रूम में भी है, आपके घर में भी है, हर जगह है, ऐसा नहीं कि आपके आसपास कोई है ही नहीं है, बहुत सारे जीवी है, तो उसमें देवता भी है। तो हमें क्या करना है कि जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, मन में एक अच्छा स्वभाव डालना है और फिर ध्यान के भावना में सारे जीव मेट्टा जैसे देते हैं वैसा करके ये कहना है कि समंता चक्कवालेसु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजसा सुनन्तु स्वगमोग्गदम्। फिर अभी हमारा धम्म देशना है 31 लोक के लिए, धम्म सवन कालो अयम भदंता, धम्म सवन कालो अयम भदंता, धम्म सवन कालो अयम भदंता। अभी इससे क्या होता है कि हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा और जो यहाँ पे उपस्थित है वो इधर ही रहेंगे और हमें एहसास होने लगेगा, थोड़ा टाइम रुक लो हो जाएगा आज ही, जैसे हम इसको शुरू करते हैं। तो पहली बात यह है कि चक्क वाल क्या है, चक्क का मतलब है सर्कल, चक्र, जो ऑर्बिट जो होता है वो चक्कवाल होता है।
तो मनुष्य का एक ऑर्बिट है, यहाँ पे जो कोई भी मनुष्य है वो एक ही ऑर्बिट में चल रहे हैं, मतलब हर किसी का सवेरे एक ही तरह से होता है, दोपहर एक ही तरह से होता है, शाम एक ही तरह से होता है, रात एक ही तरह से होता है, और वो रिपीट होता है। जो हम यहाँ पे हैं ये चक्रवाल में है, ये मनुष्य का चक्रवाल है, ये फिफ्थ रेलम लोक, इसके नीचे चार है पर पांचवा मनुष्य, माना उस जिसका मन बड़ा हो गया है, मनुष्य। फिर इसके नीचे पूरा नीचे निरय, निरय का मतलब है कोई पाय नहीं है, फाउंडेशनलेस, इसीलिए अपाय कहते हैं उसको, पाया नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, गिरेंगे तो चोट लगेगी। यहाँ पे जो होते हैं वो उपपत्ति का होते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस, उनको गर्भ का कुछ सहारा नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी मनुष्य बन के हम आते हैं, हमारे पास तीन ब्रेन होते हैं। पहला ब्रेन होता है को कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, मतलब जो लोअर बीइंग्स का जो होता है उसका ब्रेन हमारे पास है, हर किसी के पास है। इसका रेस्पॉन्स क्या होता है कि डरे हुए कि वो झगड़ा करेगा या भाग जाएगा, यही दो करेगा, या मतलब मारपीट करेगा या डर के भाग जाएगा, यही दो चीज होगा, इसको कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। हिंदी में आपको जो अनुवाद करना है करो। दूसरा होता है प्राणियों का मैमलियन ब्रेन करके डालते हैं, मैमल्स, तो ह्यूमन बीइंग इज आल्सो मैमल, मतलब जो चार चीज है वो मनुष्य भी करता है। क्या क्या चार चीज है? पहला खाना ढूंढता है, प्राणी भी करता है हम भी करते हैं। फिर एक टेरिटरी बनाता है, ये मेरा, ये जगह मेरा, और मनुष्य भी वही करता है, एक टेरिटरी बनाता है। तीसरा एक परिवार बनाता है और मनुष्य भी परिवार बनाता है, और परिवार को बचाने के लिए डरता रहता है, अपने के लिए भी बचाने के लिए डरता है और परिवार लोगों को भी बचाने के लिए डरता है कि ऐसा ना हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि वो डरता है। प्राणी अलग प्राणी से डरते हैं, मनुष्य अपने ही जो प्राणी है उससे डरता है, मतलब मनुष्य मनुष्य से ही डरेगा, जो उसको चोरी करने के लिए, जो मारने के लिए जो आते हैं वो प्राणी नहीं आते, वो मनुष्य ही आएंगे, फिर वो डरता है। तो परिवार, और चौथा मैथुन, ये चार जो है प्राणियों का ब्रेन जो होता है वो मनुष्य में है, और एक और ब्रेन है जिसको इंग्लिश में फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये पूरा, ये जो बताया वो पीछे है पर ये जो अभी मैं बता रहा हूं वो आगे है, जो यूज नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन ब्रेन है, एक जो प्रिमिटिव जो कहते हैं कि फाइट करो या भाग जाओ, यही दो,
दूसरा ये चार जो मैंने बताया, खाना मतलब खाने के लिए इंतजाम करो वगैरह वगैरह। फिर एंड में मैथुन, मनुष्य भी मैथुन करने के लिए उत्सुक होता है और उसको एंजॉय करने का उसके मन में होता है। मनुष्य का मतलब यह है कि वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। इसलिए स्त्री क्या करती है, उसका जो बॉडी पार्ट है वो दिखाने की कोशिश करती है, जैसे प्राणी करते हैं वैसे ही वो भी करती है। और ये कहती है कि मेरे लिए मैं बना रही हूं, पर ऐसा नहीं होता है, वो कोई और के लिए ही होता है। चाहे वो जितना भी सोच रही कि मैं अपने के लिए कर रही हूं, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही कोई भी पुरुष है वो चोरी चोरी किसी को देखता है तो रहता ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं, इस अजूबे को देखते हैं, तो ये जो तीन ब्रेन में दो ही ब्रेन काम में आते हैं, तीसरा ब्रेन उतना काम में नहीं आते हैं, क्योंकि वो डेवलप होना है, डेवलप नहीं हुआ है। मतलब हमारा सोच विचार ये दोनों में ही रहेगा। तो जैसे हमने बुद्ध का पकड़े तो थोड़ा विस्तार होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा अभी जा सकते हैं। तो ये होने के बाद प्रेत का आता है। ये प्रेत क्या होता है? प्रेत का मतलब ये है कि जो संतुष्ट ना हो किसी चीज पे और अपने ऊपर खुद कोसता है और दूसरों को कष्ट देता है। पहले अपने और के ऊपर मारता है, किसी और को भी मारता है। मतलब मारना का मतलब ऐसा मारना नहीं है जो बात से भी मारेगा, फिर गुस्सा हो जाएगा या क्रोधित हो जाएगा, कुछ भी पागल की तरह जो करता है वो प्रेत का सोच में होता है। इसका भी उपपत्ति का होता है, मतलब इंस्टेंटेनियस बर्थ। निराय के लोग का भी इंस्टेंटेनियस है, इसका भी इंस्टेंटेनियस है। फिर आखिरी में आता है असुर। ये कैसे होते हैं? मनुष्य में होते हैं बहुत। जो अहंकारी होते हैं वो असुर होते हैं, और जो अहंकार के साथ ईर्ष्या होता है वो भी असुर में आते हैं। मतलब मनुष्य में भी असुर होते हैं, मनुष्य में भी प्रेत होते हैं, मनुष्य में भी प्राणियों की तरह होते हैं, मनुष्य में भी ये जो निराय जो कहते हैं वो लोग होते हैं। मतलब उनका डेस्टिनेशन वहां जाता है, ठीक है ना। अगर हम उनके संपर्क में आए तो उनको उनके हाल पे छोड़ना सही बात होता है। पहले ये आप समझ लो, आप मनुष्य के यहां पे आए हो, ये भी मनुष्य के आए हैं, पर इनका डेस्टिनेशन नीचे है। मतलब इनका जो ट्रेन है वो नीचे की ओर जा रहा है, और आपने इनको बात करने के बाद समझ में आ गया कि हाँ, इनका सोच विचार धारा विचारधारा वगैरह उस टाइप का है, तो उनको बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। उनको जो हाल है उनके ही हाल पे छोड़ देंगे, वो उनके लिए भी आसान है, आपके लिए भी आसान है। तो चाहे वो आपके दोस्त है, आपके सहयोगी है, आपके भाई बहन है, आपके बच्चे हैं,
या कोई भी है रिश्ते में और उनको आपने समझाया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यर्थ करने से बेहतर है कि आप इनको ऐसा ही उनके हाल पे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि आप में जो हिंसा की भावना होगी वो जगा देंगे, ये समझ लीजिए। हम सारे लोगों में हिंसा के भावने रहते हैं, छोटी इसमें रहते हैं, पर जब ये सिचुएशन आ जाती है तो हमारा भी बढ़ने चालू होता है। इसी के लिए अगर आपको देखने के लिए मिले कि इनका राग द्वेष मोह आपसे भी ज्यादा है, तो उनको करेक्ट करने से बजाय आप अपने आप को करेक्ट कर लो। तो क्योंकि वो लोग अपाय पे जा रहे हैं, पाय का मतलब है फाउंडेशन, अपाय का मतलब है फाउंडेशनलेस। अगर आपका भी फाउंडेशन लेस है, मतलब आप सोतापन्न नहीं बने हो, तो स्वाभाविकता में आप भी वहीं पे जाओगे जहां ये जा रहे हैं। आप जानते हुए भी जा रहे हो, वो लोग जानते नहीं बिने जा रहे हैं, बस इतना ही फर्क होगा, पर हमारा ये प्रॉब्लम तो रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें 10 अकुशल के ऊपर काम तो कर रहे हैं, वैसे ही करना चाहिए, तभी इन लोगों के संपर्क में तो नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो तभी प्रज्ञा जाग जाएगी, तो वो नीचे नहीं लेके जाएगा। इस तरह से बुद्ध भगवान ने अपाय भूमि को रोक दिया, अपाय भूमि, क्योंकि इसमें पाय नहीं है। समझ में आया? पहले ये चीज करना है। आप चाहे ऑफिस में जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, घर में बैठे हो, किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, सब्जी वाले से या किसी से भी, ऐसा मत देखो वो सब्जी वाला है, ये रईस है, ये इतना पैसा वाला है, वो नहीं करना है। हमें ये देखना है कि ये मनुष्य के लोक में है या मनुष्य के देह में, मन उसका नीचे है। अगर नीचे है, कृपया व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनका जो डेस्टिनेशन जो है वो नीचे है। सिर्फ आपको सोचना है उनके साथ आपको जाना है या नहीं जाना है। तो ये चक्रवाल में वो ऑर्बिट जो है वो नीचे का है, नीचे ऑर्बिट निरय, उसके ऊपर प्रेत, के ऊपर तिरच्छय योनि, उसके ऊपर असुर। एक उदाहरण के लिए असुर के बारे में, और बाकी कि आपको याद रहे, जो असुर होते हैं असुर, उनको लज्जा नहीं होती है, कुछ भी करने से उनको लज्जा नहीं होगी, कुछ भी करेंगे पाने के लिए, कुछ भी करेंगे, और वो किसी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई भी हो, उनके हिसाब से उनको छोड़ के बाकी सब ठीक नहीं। दूसरा, तीसरा, इंसल्ट करेंगे, ठीक है, चौथा, घमंड दिखाएंगे। अगर वो बुद्ध धम्म भी जानते हैं तो भी घमंड दिखाएंगे, मुझे इतना पता है, ये है वो है, वैसे मैंने इतना बुक लिखा है,
मैंने इतना प्रवचन दिया है, मैंने ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकता है, काम वाला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कौन सा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो असुर का मन प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, ठीक है। अभी उसके नीचे आते हैं, तिरच्छ योनि, प्राणी जैसा बर्ताव करेगा, मतलब पूर्ण तरह से मोह में रहेगा और छीन लेगा, जैसे प्राणी छीनते हैं, डरते हैं और छीनते हैं, वैसे ये करेगा। और अगर प्रेत है तो वो आप कुछ भी करो, उसको अपना जान ही क्यों ना दो, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, चाहे जितना भी मिले उसको, पैसा मिले, अच्छा परिवार मिले, कुछ तो मिले, वो कंप्लेंट करता ही रहेगा, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, रोता ही रहेगा, आपको भी रुला देगा। अगर आपके आंख में आंसू आ रही है वैसा व्यक्ति को मिलके, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनसे छुटकारा पाएंगे तो अच्छा रहेगा। और लास्ट निरय, ये आग डालते रहते हैं अपने ऊपर और आपको भी आग डालेंगे। तो ये चार जो मैंने बताया, ये उनका अंतिम मनुष्य का होता है, इसीलिए वो प्रकट ज्यादा करेंगे। तो यहां च्युति हुआ तो वहां पहुंच जाएंगे। सिर्फ मनुष्य और प्राणी का थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए उसको परलोक, क्योंकि वो बॉडी मिलना चाहिए, बाकी तीन तो इंस्टेंट है, वो उपपत्तिक, ठीक है। तो इसीलिए ये चार लोगों के साथ जुड़ना मना है। तो 31st रेलम, सॉरी DN 31 में बुद्ध कहते हैं दोस्त कैसा ढूंढना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा हम किन लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं। अगर हमारा भी वैसा ही व्यक्तित्व है, जैसे हमारा भी नरक में जाना है या निरय में जाना है या प्रेत बनना है या असुर बनना है या प्राणी बनना है, तो हम वैसे ही लोगों से संपर्क में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रवृत्ति भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम हमारे इसमें नहीं है, है, क्योंकि हमारा ब्रेन में ही वो है। मनुष्य के तीन ब्रेन है, तो हमारा तीसरा वाला हमें पता भी नहीं क्या करना है, हम दो पे ही चला रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। कैसे, उदाहरण, बहुत स्टेटस देखता रहता हूं, आप लोगों का भी देखता हूं, बहुत सारे लोग डरे हुए के डालते हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस जो आती है वो डरावनी आती है, तो वो भी डरते हैं, किसी और को भी डराते हैं, जैसे कुछ हो जाएगा। ये कहां से आ रहा है, रेप्टिलियन ब्रेन से आ रहा है, इंस्टेंट फियर, अगर कुछ हो जाएगा भी तो क्रोधित हो जाएंगे अंदर से, सिंपल है। तो कहां जा रहे हैं, उस टाइम पे अगर मन को देखो उतावला हो गया, फिर क्रोधित, फिर बॉडी शेकिंग चालू होती है, तो कहां जा रहा है, देख लो, नरक में जाएगा वो टाइम पे मन
नरक को झेल रहा है। बॉडी तो ह्यूमन का है अभी, क्योंकि आयु है, मरण नहीं हुआ। इसीलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी आता है उसको कैसे देखना है, ये चार में है क्या देखना है, निरय, प्रेत, निरच्चयोनि, असुर, ये चारों डेंजर है, इसलिए अपाय। आज जब भी डर होता है इसीलिए जिनपंजर है कि कुछ बाहर से ना आए। और दस अकुशल को निकालना है। देखिए कोई भी आपका दोस्त नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन भी नहीं है। सारे लोग यहाँ पे, जो कोई भी लोग यहाँ पे है मुझसे लेकर, सारे अपना जो खैद का जो लाइफ है वो हम कर रहे हैं, हम सारे लोग खैदी हैं, हमने कुछ गलती किया है, इसके लिए ये देह में आके हम अच्छा भी हो रहा है, सुख में पड़े हैं, जो कारागृह है, जो प्रिजन है वो बहुत ही अच्छा वाला, एयर कंडीशन वाला है, और जो नरक की तरह जो होता है वो नरक का ही है प्रिजन, तो वहां पे वही एक्सपीरियंस होगा। तो जैसे हमारे मन में डर आ गया, समझ लो कि किसी ने आपको प्रेरित किया है नरक में जाने के लिए। ये आप लिख लो कहीं पर भी, वो टाइम पे आपका मन उसी पे टिकेगा। चाहे हमारा मनुष्य का आयु क्यों ना हो, पर मन तो वहां गया है। तो इसीलिए व्हाट्सएप पे जो आएगा या हम जो चीज को पढ़ते हैं हमें इंटरेस्ट आने लगती है उस चीज का, इसका मतलब ये है कि वो टाइम पे हमारा अपाय में चला गया। काफी है, और बार 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 जाता रहेगा तो वो घर बना देगा वहां पे। अनेक जाति संसारन संधा विसन अनिन विसन गहकार गवे संतो दुख जाति पुनः पुनः। अभी वो वहां पे आ गया, अभी क्यों टिका है, क्योंकि मनुष्य का आयु खत्म नहीं हुआ है। पर असली में कहां गया है, अभी इस वक्त वो नरक में ही गया है, कहां जाए, या इन चार में से कहीं तो है। तो बहुत डेलिकेट है मनुष्य का जीवन, व्यर्थ मत करो। ये चार नीचे का जो रास्ता है मत लो, उलझन में मत पड़ो, वैसे लोगों से संपर्क में आए तो देखो कि आप प्रेरित ना हो, ठीक है। अभी हम ऊपर के ओर जाएंगे, अभी हम काम के बारे में बात कर रहे हैं। ये चार भी काम में है, पांचवा वाला मनुष्य का जो है वो भी काम में ही है। अभी हम लेंगे 6, 5 और 6, 11 काम लोक है। ये चार तो समझ में आ गया ना, तो अभी हम आएंगे चतु महाराज का देवा, ये छठवा। उपोसत्त के सूत्र में देखेंगे तो उसमें जितने लाइफ को जी सकते हैं वो लिखा है। तो जब भी कोई भी हमें नीचे का प्रेरण देते हैं, आपको चतुर्थ महाराज के यहां पे ध्यान करना है, तभी मन इसको छोड़ देगा, फिर वो नहीं जाएगा वहां।
तो बुद्ध कहते हैं कि 50 साल मनुष्य का एक दिन उनका होता है वैसे 500। अगर हम एक अंदाजा डालें इनका जो लाइफ स्पैन बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलियन ईयर्स आ जाएगा। मनुष्य का हम 100 साल जी रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो जब भी नीचे का आता है आप यहां पे आ जाओ, तो कैसे बनते हैं, क्यों ऐसे बनते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको ये तासप सूत्र है जो संयुक्त निकाय 15.6 उसको थोड़ा लेके मैं आपको बता दूंगा कि ये काम क्या करते हैं चतुर महाराज। और कल भी हमने देखा था कि चतुर महाराज जो आते हैं, जैसे अश्विन जी ने मुझे भेजा था, वो देखते हैं कोई उपोसत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो जाके सक्का को बताते हैं। तो अभी उनका देखते हैं कि मंगल सूत्र में जैसे परिवार को देखभाल करना है, माँ बाप, जो कोई भी माँ बाप को अच्छी तरह से देखभाल करेगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप की सेवा जो करते हैं और उनके अच्छेपन से जो सोसाइटी जो कहते हैं उनको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, और फिर 10 अकुशल इनका बहुत कम होता है, और जो मनुष्य भी हो सकता है या प्राणी भी हो सकता है जो कमजोर है उनका अच्छी तरह से देखभाल करते हैं वो बनेंगे चतुर महाराजक, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये सील तोड़ते नहीं है, पंचशील जो कोई भी यहां पे है जो पंचशील तोड़ता नहीं है और परिवार को अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है, अपना पति हो या पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, जैसे मंगल सूत्र में है वैसा ही जीवन जी रहा है, वो यहां छुट्टी होने के बाद चतुर महाराज के यहां पे पैदा हो जाएगा। सोतापन है तो ठीक है, कोई प्रश्न है? हाँ जी बैद्यनाथ जी, मैं सोच रहा था आपका आएगा। सर जो छह देवलोक हैं उनका अलग अलग कुछ ग्रेडेशन है क्या? हाँ है, है जरूर है, हम उसको भी लेंगे जी जी। अभी जो मैंने बात किया इसमें कुछ है क्या आपको? नहीं ठीक है सर, वो जो चार दुगति लोक है जिसमें आपने बताया सर, उसका भी ग्रेडेशन के अनुसार है या ऐसे ही है सर? वो नहीं नहीं नहीं, ग्रेड पे आता है। सबसे नीचे सर, सबसे नीचे मैंने कहा ना कि उनको निरय के दो लोग होते हैं ना, निरय निरय
वो अपने आप को कोसते हैं, बाकी लोगों को कोसेंगे। उसके बाद प्रेता, उसके बाद में प्रेता, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप जितना भी उनको दे दो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तब सर असुरा और फिर त्रिक्षण, ऐसे ना प्राणी, प्राणी प्राणी में जो मैं चार बताया ना, स्टार्टिंग में चार बताया, खाना ढूंढना, फिर एक टेरिटरी बनाना है, फिर डरे रहना, फिर मैथुन करना, मेमिलियन ब्रेन का जो है, मेमिलियन ब्रेन वाला। जो कोई भी परिवार में इतना जुड़ गया है कि वो इतना डर रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो सीधा प्राणी का स्टेट पे आ गया है, फिर मैथुन में उलझा रहा है सीधा 100%। इसीलिए पहले बुद्ध ने काटा पहला कामेशु मिच्छाचार, क्योंकि वही चीज है जो प्राणी के यहां पे लेके जाएगा। कैसे, एक कुत्ते को देखिए या कौन सा भी प्राणी, पर कुत्ते को देख सकते हैं, एक फीमेल कुत्ता है, उसको कोई भी आके करके चला जाएगा, और उसका काम वही है कि जो बच्चा आया उसको देखभाल करो, फिर कोई आएगा, फिर करेगा जाएगा, करेगा जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य का जो लोक में जो प्रोस्टिट्यूट बनते हैं, मतलब वो उन्हें धंधा तो नहीं कर रही है पर मन में प्रोस्टिट्यूशन है, वो सीधा वहां जाएगी या जाएगा। समझ में आया? चाहे वो पुरुष भी हो सकता है कि पूरा हर दिन उसको मैथुन करने की इतनी आशा हो रही है कि उसको चाहिए, मुझे चाहिए ये लड़की, वो लड़की, यहाँ वो ढूंढ रहा है, काफी होता है। तो इसीलिए प्राणी, प्राणी का मेन उद्देश्य ये चार होता है, खाना ढूंढना है, जो मनुष्य भी करता है, इसीलिए वो थोड़ा डेलिकेट है, मनुष्य उसके अलावा भी करता है, पर ये चार सेम है, खाना जुड़ता है, एक टेरिटरी बनाता है, परिवार को देखभाल करने का वो लेता है, फिर मैथुन, ये चार प्राणी भी करते हैं, ये चार मनुष्य भी करता है। तो पहला काम बुद्ध ने ये किया कि कामेशु मिच्छाचार लेके आया, क्योंकि वो प्राणी में नहीं जाने देगा। फिर अब्रह्मचर्य को पालन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य को पालन करना है। अगर ब्रह्मचर्य पालन होगा तो रूप लोक में आ जाएगा, ये काम लोक से बाहर आ जाएगा। तो अगर कोई स्त्री नंगी है या कुछ भी है, कुछ नहीं हो रहा है, जीत गए प्यारे, या कोई पुरुष है वो नंगा है और स्त्री को कुछ नहीं लग रही है, वो जीत गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत, इसका मैं जितना बात करूं उतना मुझे कम लगता है, एक ग्रेड से ही होता है, ग्रेडेड है पूरा ऊपर तक, 31st तक ग्रेडेड है, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ऑर्बिट है, वो चक्का वाला ऑर्बिट है, वो ऐसे घूमता रहेगा। जो मनुष्य का होता है वो वहीं पे घूमता रहेगा जब तक उसका एनर्जी खत्म ना हो जाए, वो उधर ही घूमता रहेगा, जब एनर्जी खत्म हो गया तो नीचे का घूमना चालू हो जाएगा, फिर वहीं घूमता रहेगा, फिर वहां से निकल गया तो और नीचे और नीचे और नीचे चला जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने वहां काट दिया, अभी नीचे नहीं जाना है, अपाय में नहीं जाना, न अपाय, पाय ही नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है पर ये समझ लीजिए, इसीलिए मैंने नीचे से चालू किया, ग्रेडेड सिस्टम है, मैथुन मन में है, आंक से भी मैथुन है, काफी होता है। मैं अपने बेटे से अभी बात कर रहा था, क्योंकि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में बात कर रहा था,
कि मैं उसको समझा रहा था कि एक्साइटमेंट होता है तो प्रोस्टेट एनलार्ज होगा, तो 50 के बाद पुरुष का प्रोस्टेट थोड़ा एनलार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका एक्साइटमेंट होता है, वो नहाते वक्त भी हो सकता है, स्त्री को भी होता है, पर स्त्री में प्रोस्टेट नहीं है, पर उसको यूरिन आ जाएगा, क्योंकि अगर उसका यूट्रस और ये यूरेथ्रा जो है और उसका क्या कहते हैं उसका प्रेग्नेंट हुई थी और बच्चा आ गया है तो वो एनलार्ज हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जैसे उनका मेनोपॉज होती है तो वो यूरिन स्टॉप नहीं कर पाएगी, हंसेगी तो यूरिन आएगा उसके साथ में। तो मेल का भी वही है, जो फीमेल का है वही मेल का भी, गंदा तो लगता है पर क्या करे। और स्त्री को यूरिन प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाएगा पर बाकी कुछ नहीं होगा, पर ये जो पुरुष के लिए बहुत प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाएगा तो पेशाब नहीं आएगा, तो पेशाब नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है, तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या प्रोस्टेट कैंसर भी आ जाएगा। तो मैथुन करने से ये सब होता है। अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती या एक ही बच्चे का माँ होती तो काफी होता, अभी 2, 3, 4, 5 ऐसा होते होने लगेगा तो वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्राणी का जो बर्ताव है वो आ गया, मैमिलियन ब्रेन। और मैथुन का आइडिया आएगा मैमल्स में ही आएगा, मतलब जो मैमिलियन ग्लैंड होता है और उसी का ही काम करता है। तो इसलिए 3 ब्रेन है। अगर आप इंटरनेट में जाके ट्रियून करके ढूंढिए, ट्रियून ब्रेन, TRIUNE, ट्रियून ब्रेन, मस्त है, मतलब आप पढ़ेंगे ऐसा लगेगा अरे बाप रे ये कैसा है, और साइंस ने भी वही ढूंढा है बायोलॉजी में। ढूंढिए TRIUNE, ट्रियून ब्रेन, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, हाँ जी सुप्रिया जी, आपका क्वेश्चन था, फिर रोहिणी ताई का भी क्वेश्चन है, ले लेंगे, बताइए। तरीके से सर आपने अभी बताया है कि जो 4 उपाय है, तो सोचा जाए तो फिर मनुष्य योनि में रह के भी अभी तक तो इसी तरह से जीवन जिए। सही है, इसीलिए मैंने इसीलिए लिया कि हम जितने भी लोगों को देखेंगे, मनुष्य का बॉडी पहना है पर बर्ताव कैसा है देखो। तो अगर आप किसी में देख रहे हो ये प्रेत का योनि में जा रहा है या प्रेत का लोक में जा रहा है, प्राणी का लोक में जा रहा है, निरय में जा रहा है या असुर में है, कृपया उनसे जितना आप दूर रहेंगे या उनको आराम से बात करके भेज दो, आपके लिए अच्छा है। उनको चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनकी गति जो है, जैसे सुगतो लोक विदु, सुगति जो है ना वो उनका सुगति नहीं होता है, दुगति होती है, और हमारे अंदर जो वो है वो बाहर लेके आएंगे, ये वो तो जाएंगे ही, आपको भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो है वो, ऐसा नहीं कि उनमें है हमें नहीं है, ना ऐसा नहीं है। और एक और चीज जान लीजिए, वैसे ही लोग मिलेंगे आप, जैसे आपका मन है वैसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि समंता चक्क वाले सो अत्र गच्छन्तु देवता, जो हम कह रहे हैं कि वो वैसे ही लोग यहां पर है, प्रेरित तो करेंगे, आपको वही सिचुएशन मिलेगा जो आपको सेट होता है। तो इसीलिए एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर,
समझिए मेरे पिछले जन्म में बहुत पी रहा था, मैं इस जन्म में पिया नहीं है। वक्त ऐसा आ जाएगा कि एक दिन एक दोस्त बन जाएगा, दोस्ती निभाने के लिए वो कहेगा विलास आ जाओ, एक ड्रिंक बना दे के देता हूं। मैं कहूंगा सुन यार मैं कभी नहीं पिया लाइफ में। अरे छोड़ ना यार, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दे, मेरे साथ कंपनी तो दे। तो इतना ड्रिंक डालता है, मैं कहूंगा नहीं नहीं इतना नहीं जाएगा तो और थोड़ा। अरे यार थोड़ा इतना ही थोड़ा तो डाला है, तुम पानी डालो पूरा, ऐसे मेरे साथ करो। अजीब बात होगी, अगर मैंने कभी पिछले जन्म में ट्राई नहीं किया है तो ये मैं कभी भी पी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पहले पिया है। ये टेस्ट लगते ही चित्त वहां लेके जाएगा जिस समय मैंने पिया था, उसका टेस्ट याद आ जाएगा, फिर थोड़ी एक दो घूंट के बाद अच्छा लगने लगेगा। ये एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, एक लड़की आती है, बैठती है, मेरा दोस्त बैठा है, मैं भी बैठा हूँ। वो कहता है देख कितनी अच्छी है दिखने के लिए, मैं भी देखता हूँ बहुत ही अच्छी है, और उसको भी इंटरेस्ट आ जाती है, ऐसे छूने लगते हैं, तो बात और बढ़ने जाती है। तो लगता है कि इसके साथ कुछ करूँ, क्योंकि वो प्रेरित कर रहा है मेरा फ्रेंड। वो तो चला गया, वो लड़की को लिया चला गया, फिर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ उसको, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं कहूँगा वो लड़की गई थी ना, वो तुम्हारा फ्रेंड है क्या? अरे कौन सा फ्रेंड है, वो ऐसे ही मैंने बनाया था, तुम्हें चाहिए तो वो आ जाएगी। बस हो गया, फंस गए। उसने कुछ नहीं किया, उसने मेरे अंदर जो था उसने वासना को जगा दिया, बस उतना ही किया उसको। उसने एक्चुअली कुछ नहीं किया, उसने मेरे अंदर जो था वो बाहर आ गया। उसकी गलती नहीं है, इसीलिए मुझे वैसे सिचुएशन से दूर रहना बेहतर है। इसके लिए जिन पंजरा चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। अगर सर के ऊपर बुद्ध नहीं बैठे हैं तो नहीं होगा। मैं मिस्टेक करता रहूंगा, फिर सोचूंगा अरे मैंने क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, वो कुकुचा हो जाएगा, वो उससे कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑब्स्टेकल है, निवरण है, वो कोई फायदा नहीं। करने के बाद मैं सोचूंगा अरे मेरी पत्नी सुनेगी तो क्या करेगी, तो चुप बैठ जाऊंगा, नहीं कहूंगा कि मैंने इसके साथ लैंगिक संबंध किया है। चुप। फिर मैं ऐसे ही प्रवचन देता रहूंगा, आप लोगों को अच्छी तरह से बुद्ध का गुणगान करते रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सुचरित है क्या मेरा? नहीं है। दुचरित है? विपाक है कि नहीं है? है। तो क्या देगा? और दुचर्च विपाक सूत्र में तो क्लियरली लिखा है, मुझे कुछ गेस करने की जरूरत नहीं है। निरय पेत तिरच्छ, मैं कहूंगा एक ही बार सोया उसके साथ। अरे तुम एक बार सो जाओ या 10 बार सो जाओ। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैंने जो किया है उसके साथ जो लैंगिक संबंध जो बढ़ाया, फिर सोचने से कोई चेंज नहीं होगा, वो दुचरित विपाक हो गया। दुचरित हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ। फिर मैं जितना भी प्रवचन दूं आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, मैंने ही किया है। जैसे बहुत सारे गुरु लोग होते हैं, फिर वो लड़की के चक्कर में आ जाते हैं, फिर उनको जो करना नहीं करना चाहिए वो करते हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर फंसने के बाद क्या करते? सोचिए, वो लड़की ने कुछ नहीं किया, इनकी जो अंदर था
वासना वो बाहर आ गया, बस उतना ही किया। इसीलिए हम जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, नंबर वन। नंबर टू, जिन पंजरा चाहिए इसीलिए उसको पंजर डालते हैं ना, नहीं तो वो बाउंड्री वॉल डालने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वो स्टार्टिंग से बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ इतने बार करेंगे तो वो वासना जो है वो नहीं आएगा। नहीं तो मैं ऐसे प्रवचन देता रहूंगा पर मैं खुद ही नहीं करूंगा। प्रवचन तो अच्छा देता हूं, प्रॉब्लम कोई भी सुनेगा अरे क्या आदमी है, पर अंदर का तो मुझे अपने आप में देखना भी पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, मैथुन का आइडिया है, निकालना है मुझे खास करके, क्योंकि अगर मुझे शुद्ध वास तक जाना है तो छोड़ना पड़ेगा प्यारे। अनागामी शुद्ध वास उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। हम हर कोई कर सकता है पर स्टेप बाय स्टेप कर सकते, तो पहले ये चार हटा दो, देख के हटाओ कि ऐसा है। तो मनुष्य का जो चेहरा होता है, देह होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच में मनुष्य है, ये गलतफहमी में मत आओ। इसीलिए बुद्ध एक वर्ड यूज करते हैं, आप भी यूज करो, अभिनिवेश। अभिनिवेश ये वर्ड है, जैसे हम टीवी में एक सीरियल देखते हैं, उनका नाम वो है ही नहीं है पर वो बन जाते हैं, उन्होंने वेश धारण किया है, वैसे ही इसको कहते हैं अभिनिवेश। संस्कृत में अभिनिवेश होता है, पाली में अभिनिवेश। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऐसा एक डाला है, ड्रेस डाला है, तो मनुष्य का ड्रेस तो मिल गया है पर मन में मनुष्य नहीं बना है, समझ में आया। तो बुद्ध धम्म पहली चीज बताता है मनुष्य बनना, सोतापन्न से मनुष्य बनता है। हम सारे सोतापन्न बनेंगे, बन सकते हैं, वो आप 100% सोतापन बनेंगे। ऐसा नहीं कि वो बन गए तो बहुत हो गया, ऐसा नहीं है। मनुष्य बनेंगे तो सोतापन्न बन गए, क्योंकि 10 अकुशल आप नहीं करने वाले हो जो ये चार लोक में लेके जाएगा। मैं बहुत बार इसका भी बात किया है कि एक कल्याण मित्र मिल जाएगा और बाकी सब वहां से चालू, बस उतना ही है, ठीक है। तो ऐसा हमें देखना चाहिए विचार। तो सुप्रिया जी सही बात है, हम अपने मन में ये चार का भी हो सकता है, और बाकी जो लोग हैं जो प्रेरित करते हैं वो इसलिए प्रेरित करते हैं कि वो कंडीशन मैच होती है, संकत कंडीशन वो मैच होती है हमसे, वो मैच होती है। इसीलिए जब ऐसा होता है दूर रहो, सती में रहो, हाँ ये मुझ में है, ये प्रेरित करने के लिए आ रहा है, नहीं कोई आएगा कुछ पॉलिटिक्स लेके आएगा भड़काने के लिए, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपना जो पर्सनल जो है वो आपको बता रहा है, पर वो बहुत इसमें बता रहा है। उसको जलन हो रहा है उस टाइम पे, वो जलन हो रहा है मतलब उस टाइम पे वो नरक में है,
अभी आपको तय करना है, आपको नरक में उसी के साथ जाना है इसी वक्त या नहीं जाना। वो भी मरा नहीं, आप भी मरे नहीं, क्योंकि आयु है, आयु जब तक रहेगा कुछ भी नहीं होगा आपको। मतलब बॉडी तो क्रोधित होने के बाद पसीना आ जाएगा, बॉडी कांपना चालू हो जाएगा और सब कुछ हो जाता है, फिर मरेंगे नहीं। देह तो वही है पर मन तो चला गया, उसने घर बना दिया वहां पे, बार 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 जाएगा तो बन गया उसका घर। अनेक जाति संसारन संधा विसन अनिन विसन गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, ये लेके आ गया वो, तो मत जाओ, उत्तापन्न बनो, जाओ तील मत तोड़ो। इसलिए मूसावाद पिसुनावाच फरुसावाच संपफलाप, ये चार भयंकर है, इसको ही पहले मिटाना है। हम किसी का भी पिसुनावाच करेंगे समझो वो मन को वहां से हटा के वहां चला गया, वो नरक में चला गया, मत करो। और तो पढ़ो दुचरित विपाक सूत्र पढ़ो, लिखा मैं खुद का नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप में नहीं कह रहा हूं, मैं जो सूत्र में है वो कह रहा हूं, मत करो। तो चार हो गया ना, अभी ऊपर जाएंगे, ये क्या है। रोहिणी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। ये आपने जो अभी बोला चतुर्थ महादेवा का, जो सील पालन करते हैं, अच्छा घर का सब देखभाल अच्छा करते हैं, सब पति का बच्चे का माँ बाप का और सब अच्छा करते हैं, तो चतु महादेव अपने कर्म लेते हैं, मगर वो स्वतःपन होना चाहिए। मगर ऐसे भी लोग हैं कि उन वो सब करते हैं अच्छा, मगर उनको बुद्ध धर्म पता नहीं है, वो स्वतःपन नहीं है, तो जा सक नहीं जा सकते उधर। जाएंगे फिर वो खत्म होने के बाद कहीं पर भी पैदा हो सकते हैं, और जो स्वतापन्न होते हैं वो नीचे नहीं जाएंगे, इतना ही फर्क है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई और ट्रेडिशन वाला चतुर्थ महाराज में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कोई भी अपना माँ बाप अपने परिवार का सुख की देखभाल करेगा, जैसे मंगल सूत्र में है, पटी रूप देश वासोच पुब्बे च कत पुण्यता, वो जो है वैसे वो देखभाल करेगा तो बनेगा। चाहे उसको मंगल सूत्र पता है, बुद्धिस्ट है, से कुछ लेना देना है ही नहीं है, वो लेबल है, पर मरने के बाद कोई लेबल नहीं होता है, उसका जो मन है वो वहां पे जाएगा। ऐसा थोड़ी कि बुद्धिस्ट के लिए ही जाएगा, कोई भी जा सकता, पर इतना ही फर्क है कि अगर बुद्ध दम है, मतलब सील समाधि पन्य उसका है, वो नीचे नहीं जाएगा परमानेंटली। और जो नॉर्मल है, जो इतना अच्छा करने के बाद भी दुगति या दुर्गति में आ सकता है, क्योंकि उनके मन में तभी कुछ आ जाएगा और वो सीधा चला गया। समझ में आया ना, ऐसा होता है। तो हमें सोतापन इसलिए बनना है कि हम 10 अकुशल को कुचल डालेंगे और सील को तोड़ेंगे नहीं, बुद्ध धम्म संघ को समझेंगे, तो ये जो तीन संयोजन जो है निकल जाएगा। जैसे सक्काय दिट्टि निकल गया तो वो नीचे नहीं जा सकता, वहीं के वहीं रहेगा या ऊपर जाएगा, यही करेगा, नीचे नहीं जाएगा। अगर वो मनुष्य में भी बना, समझो
उसको सारा एनवायरनमेंट अच्छा ही मिलेगा। अगर मैं खुद का देखता हूं 100% इतनी अच्छी तरह से दिखने के लिए आती है, ना मुझे पैसे की कमी है, ना ये लोग जो मेरे जो पत्नी बनी है, बेटा बना है, एक दिन भी ऐसा मुझे नहीं बात किया है जिससे मुझे ठेस पहुंचे, और एक दिन भी ये दोनों ने नहीं कहा है कि जो तुम कह रहे हो मैं हम नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा, जब से मैंने ये बुद्ध धम्म का ये देशना चालू किया, इतना सारा सामान आया है कि मैं हैरान हो जाऊंगा देख के। जैसे यवतमल में देख रहा था, बहुत भावुक भी हो रहा था, पर सच है, अगर मैं सोतापन होके ही मरता तो भी काफी होता, क्योंकि इतना तो मिल रहा है, देख सकता हूं कि झूठ तो नहीं है। मैं ऐसे ही प्रवचन दे दूं वो नहीं है, पर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर हो रहा है का मतलब ये आदमी तो है, इसने कुछ ना कुछ तो किया है, तो हो गया। और हम लोग 7 दिन रहे, 1 दिन नहीं 7 दिन रहे, फैक्ट है, नकार नहीं सकते। हाँ जी दर्पणा जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर। मुझे ये पूछना है कि आपने इतने दिनों से अभी धम्म देशना दिए हैं, तो आपके अंडर में तो काफी सारे शिष्य अभी तक तो सोतापन्न सकदागामी तो हुए ही होंगे। हुए होंगे आपके अनुभव में, हुए होंगे ना भाई तो हाँ। नहीं नहीं आपका तो पता मुझे पता है, पर वो लोग मानेंगे नहीं तो मैं क्या करूँ। हाँ हाँ सही बात है, क्योंकि आप काफी दिनों से ले रहे हैं, वो मैं वीडियो सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है, 2-3 साल पहले का भी वीडियो है, तो आपने भी बताया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो तो काफी लोग बने होंगे फिर, यहाँ तक गए होंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि मानते नहीं है, तो अभी मैं दिल है कि मानता नहीं, अगर कहेंगे तो मैं क्या कर सकता, मत मान अभी, मैं क्या कर। अभी किसी का हमने सुना है सर कि ये इतना डिफिकल्ट है कि कितने भी जन्म लोगे तो भी नहीं होगा, ये हमने सुना है, हमारे दिमाग में फिट है, तो आप इतना इजीली बताते हो कि हाँ ऐसे ही बन जाते हैं, तो हमें यानी नॉर्मल लोगों को लगता ही नहीं ना कि इतने आसानी से पहुंच सकते हैं, ऐसा होता है वो। नहीं आप खुद को देखो ना, आप खुद को देखो। इसीलिए कलाम सुत्त है जहाँ पे बुद्ध के, बराबर है, बराबर है ना कुंदा जी सर, यस सर। आपकी आवाज में सुना ही नहीं था, आज सुना ना अच्छा लगा। आज मेरे को वो चालू हो गया सर। क्या चालू? बोलने का। वेरी गुड। वॉइस का वो बंद था ना और चालू हो गया सर। अच्छा, आप इतना अच्छा देशना दे रहे कि चालू हो गया। वेरी गुड। ओके थैंक यू सर। तो दर्पणा जी ऐसा है, अगर हाँ, बोलिए सर, मानते नहीं है तो हम क्या करें, और हमें खुद देखना है। अगर हम अपने ऊपर ही इस इतना बलात्कार करेंगे तो कोई क्या कर सकता, ये तो एक तरह से बलात्कार है कि आप सब करने के बाद भी पता नहीं कहाँ पे है, अनफॉर्चुनेट है, क्या करें। चलिए छोड़िए सबके। हाँ जी हाँ सर थैंक यू। नहीं नहीं बताइए सबके, आगे बताओ। नहीं नहीं मैं ये कह रही कि सभी के माइंड में वैसे ही है ना, काफी सालों से हमने यही सुना है, इतने आसानी से नहीं बनते, ये सब नहीं बनता है, अनेक जन्म लेने होंगे, तो यही सब सुना है, इसीलिए वो यकीन नहीं होता कि सर ऐसे कैसे आसानी से कहते कि इतना करो, इतना करने से सोतापन्न आराम से बन जाओगे, आप सब लोग बन जाओगे, ये सब आपका सुनते है ना तो ऐसे शौक होते हैं हम लोग। भी शॉक होते हैं या हैरान होते हैं अगर देखते हैं तो, अगर कोई भी धम्म प्रैक्टिस करता है उसको तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो हम सारा धर्म वही हो गया, चाहे हम हिंदू धर्म प्रैक्टिस करें या मुसलमान का प्रैक्टिस करें या क्रिश्चियन का प्रैक्टिस करें या अपना बुद्धिस्ट का ही क्यों ना प्रैक्टिस करें या जैन का प्रैक्टिस करें, अगर हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं
तो भगवान को ही पूछना पड़ेगा अभी। आप मिल गए सर तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी का धन्यवाद, और मैं भी आपको धन्यवाद कहती हूँ, आप मिले हमको तो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर आपको, बहुत धन्यवाद, आप मिले हमें तो। ठीक है, नहीं मुझे थैंक यू कहने से अच्छा है कि आप पहले अपने आप में देखो कि है या नहीं है। आप है, जो बताते हैं हम तो वैसे ही कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि हम चेंज हो रहे हैं, यहाँ तक कि सामने वाला बोलता है क्यों चुप हो, क्या हो गया, आप तो बात ही नहीं करते हो, तो ऐसे लगता है कि सामने वाले को भी लग रहा है क्यों बात नहीं कर रही है, ऐसा महसूस हो रहा है अभी आपसे, जब से हम लोग यवतमाल से आए या पहले से जो क्लास अटेंड कर रहे थे, तो आपने कहा कि ज्यादा बात नहीं करना है, जब उपोषित रहता था इन कभी जाना ही पड़ता ना जैसे पूजा में वगैरह, तो नहीं बात करो तो वो बोलते हैं क्यों नहीं बात करे, क्या हो गया तुमको, पहले तो बात करते थे, तो ऐसे सामने वाला भी कभी बोलता है तो लगता है कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, हमें तो लगता ही है, लेकिन कभी सामने वाला भी बोल रहा है तो लग रहा है कि हाँ कुछ तो चेंज हुआ है। सही बात है, अच्छा है ऐसा ही हो। थैंक यू सर। और ज्यादा भीड़ में जाने। हाँ जी मीनाक्षी जी, आपका आवाज तो कभी कभी आती है, बताइए। ज्यादा भीड़ में जाने की इच्छा नहीं सर, भगवान से आए। अच्छी बात है। हाँ जी कल्पना सहारे जी बताइए। सर फल का तो मालूम नहीं लेकिन मार्ग पे चल गए ऐसा लगता है, सोचा पक्त मार्ग पे तो चल रहे हैं, फल मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदल हो रहा है, मीनाक्षी बोल रही वैसा ही, भीड़ में जाने की इच्छा नहीं होती है, तो भीड़ हंसी मजाक करता है तो हंसना भी नहीं आता है, अभी हंस रहे तो ऊपर से हंस रहे, अंदर से कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको चेंजेस तो आ रहा है ना। हाँ चेंजेस तो आ रहा है सर, बस हो गया तो परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ होता है सर, होता है, फिर हो रहा है, और क्या चाहिए आपको। तो मेरी अति लॉकडाउन से बहुत बढ़ गई है बुद्धिज्म की, ज्यादा ही धम्मपद का स्टडी करती हूँ सर मैं रेगुलर, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो किताब। ठीक है नरेश जी बताइए। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। एक हाँ एक फर्क पड़ गया सर कि जो अभी विपश्यना हम करते थे तो उसमें एक पाबंद जैसा हो जाता कि साल में एक बार करना है, ऐसा रूल है ना आपको पता है वो फॉलो, तो उसमें अभी आपसे जुड़ने के बाद ये हो जाता हो गया मन में कि ठीक है ना भी जाए तो चल जाता है, प्रैक्टिस तो कर ही रहे है, वो ऐसा लगता है कि वो रूल से थोड़े बाहर आ गए, नहीं तो मन में हमेशा ऐसा रहता साल हो गया पूरा वो 10 दिन का नहीं किया, चलो एक बार को करना है, घर में तो प्रैक्टिस करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शील सदाचार का जीवन जीते थे, लेकिन ये कमी लग रही है, मतलब अभी अच्छी है कि बुरी है वो तो आप ही बताएंगे, नहीं तो साल साल में करते थे 10 दिन का, क्योंकि गुरु जी ने कहा था इसे। उन्होंने इसलिए कहा था, देखिए गोयनका जी बहुत ही अच्छे है, वो सारे लोगों को धम्म के राह पे लेके आना चाहते हैं। अभी क्या होता है कि जब भी कोई शिविर जाता है फिर व्यस्त हो जाता है अपने काम, फिर वो 1 घंटे सवेरे 1 घंटे शाम का उतना को असर नहीं देगा, इसीलिए डिटॉक्स करने के लिए साल में एक बार तो करना पड़ेगा 10 दिन का आपको शिविर, वो बहुत ही अच्छा भी है और करना भी चाहिए, अगर हमें अपने आप कर नहीं पा रहे हैं, अपने अपने जो काम का जो सिलसिला है उसमें हम नहीं कर पा रहे हैं, या परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास एक ही उपाय बचती है, वो है फिर जाओ और करो। तो उस तरह से देखा जाए तो गोयनका जी जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस आ रही है अच्छी तरह से तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप खुद अभी कर पा रहे हो, ऐसा हमें देखना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि मुझे कुछ मैं जा रहा था अभी नहीं जा रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना।
हाँ ये चार तो हो गया, आगे आगे चलेंगे फिर ऊपर, ऊपर का तो थोड़ा देखेंगे ना शक्कर कैसा होता है, हम इसी में फंस गए कि नीचे के क्या होता है। तो मनुष्य का बॉडी है, मन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं एक सूत्र में कि एक होता है चित्र, चित्रण मतलब जैसे चलन चित्र उसी के ऊपर आया है कि जो चलता है चित्र उसको देखो। वो कहते हैं कि पक्षी वगैरह वगैरह इतना कलरफुल है, उससे भी कलरफुल है मन, तुम उसको देखो। इसमें क्या करना है मुझे, अगर पूछा जाए तो ये देख सकते हैं कि मैं मनुष्य का तो बॉडी है पर मन कहाँ जा रहा है, फिर रोको। एक गाना आता है कोई रोको ना दीवाने को, सुना है आपने, मन मचल रहा कुछ गाने को, जो है ना वो गाना। yes, sir, yes, sir. हाँ वो गाना सही वाला गाना है क्योंकि इसमें आता है कोई रोको ना, तो बुद्ध धर्म लेके आ जाओ और रोक पाओगे क्योंकि मन मचलता ही रहेगा। अभी कुछ गाने को छोड़ दो, कुछ पाने को डाल दो, क्या पाओगे, परिवार, लैंगिक संबंध, डरना, फिर खाना, यही यही चार चीज जो प्राणी करते हैं, एग्जैक्ट एग्जैक्ट हम वही करते हैं। एक टेरिटरी बना दिया, कोई नहीं आ सकता, इतना लॉक करेंगे बाहर इधर उधर, सारा लॉक ताला डालो, पर अंदर का जो मरण आता है, अब जितना भी लॉक डालो मरेगा, जितना लॉक ताला ही ताला। एक बाउंड्री बना दिया, उसके अंदर एक और बाउंड्री बना दिया, इतना बड़ा वाला ये वॉल बना दिया, कुछ भी बनाओ कोई मरण से तो बच नहीं पाएगा। तो प्राणी का जो मन है मतलब ब्रेन है, वो मन में प्राणी का होता है, दूर रहो। और प्रेत का भी रहता है, सुर का भी रहता है, निरय का भी रहता है, ठीक है, हमें और किसी और। एक और सूत्र में कहते हैं कि बुद्ध घड़ियाल, एक सूत्र है मस्त है, घड़ियाल का मतलब मगरमच्छ, कहते हैं कि पूर्ण नंगी औरत है, स्त्री है, फिर उतना आंक तरसता नहीं है, आधा नंगी है बहुत तरस, जब ही वो होता है वो मन वहीं पे आ गया सीधा, इस चीज को नहीं देखना चाहिए था वो कर देता, इस चीज को इन्वॉल्व नहीं होना था इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये चक, चलिए अभी इसको छोड़ते हैं ऊपर जाते, तो सिक्स्थ फ्लोर पे जाएंगे, फिर तो पांचवें माले पे हैं हम लोग, नीचे का फ्लोर तो आपको बता दिया मैंने, इसके ऊपर के जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था अगर कोई मंगल सूत्र की तरह करता है तो वो वहां जाएगा, तो महाराज। और ये चाहे वो बुद्धिस्ट है नॉन बुद्धिस्ट है भी है आ सकता है, ना ही फर्क है, बुद्धिस्ट है मतलब बुद्धिस्ट छोड़ दो, बुद्ध धम्म में आया है और सोतापन्न है, तो वो नीचे नहीं जाएगा, उधर ही का उधर ही रहेगा। फिर आते हैं तावतिम्स,
तावतिम से कौन जाति, जैसे नाथ पिंडिका का एक सूत्र है जो तावतिम से जाता है, कौन जाता, जो इतना दान दे कि हैरान हो जाए वो तावतिम से पे जाएगा। समझ में आया ना, पहला सील पहला पारमी है दान, इतना दान दे कि देखने वाला हैरान हो जाए वो तावतिम समय में जाएगा। अभी पैसा मेरे पास है, धम्म है, ये दोनों का तराजू में डालेंगे, एक सुत्त है उसके लिए भी। अगर इतना पैसा है उसने, इतना संपत्ति है, इतना सोना चांदी हीरा वगैरह 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 है, पूरा दे दिया, और एक व्यक्ति है जिसने धम्म दे दिया और सैकड़ों को सोतापन्न बनने के लिए प्रेरित कर दिया, सैकड़ों को सकदगामी बनने का प्रेरित कर दिया, सैकड़ों को अनागामी बनने के प्रेरित कर दिया, इसमें इसमें क्या फर्क, ये तावतिम से में जाएगा पर ये तो उसके भी ऊपर जाएगा। चाहे इसने पैसा दिया हो, उतना दान किया हो, धम्म दान दान जो है अति श्रेष्ठ, क्योंकि वो मन को पूरा परिवर्तन कर रहा है। तो पैसा तो दे रहा है, जो इसका संपत्ति वो तो दे रहा है, सही बात है, पर ये धम्म दे रहा है और इतना प्रेरित कर रहा है कि अकुशल निकल जाए और कुशल आ जाए, तो उसका फायदा तो है। तो दान, चाहे धम्म दान दे या संपत्ति दान दे, दोनों का मिनिमम तावतिम से मिलेगा। अगर वो सोतापन्न है जो सिखा रहा है धम्म को, और जब भी उसका मरण होती है, क्योंकि उसने धम्म दान दिया है, वो भी तावतिम समय जाएगा। चाहे ये धनवान जो है उसने पूरा संपत्ति दे दिया, फिर भी ये भी वहीं जाएगा, ये भी वहीं जाएगा, ठीक है। तो आप अगर किसी को धम्म दान दोगे, सिखाओगे और उसको आप सोतापन्न बनाओगे, तो तावतिम समय जाएंगे। हाँ जी, दर्पणा जी, सुप्रिया जी। सर, हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा अभी कि सोतापन्न बनाएगा धम्मदान देके, है ना? हाँ। लेकिन अभी तो काफी लोग हमने देखे हैं जो धम्मदान कर रहे हैं लेकिन कुछ भी लेवल नहीं है, कुछ भी धम्मदान कर रहे हैं। मीन्स ये ध्यान, जो अपन जो ध्यान कर रहे हैं उसमें उनकी कोई स्टेज ऊपर या डेली कर रहे हैं या किसी ग्रुप से जुड़े, ऐसे नहीं है कि भाई ने मैंने पढ़ लिया, मुझे मालूम है तो मैं अभी बाकी लोगों को बताता हूँ किताब से, ऐसे बोल रही मैं, वो नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति, हाँ वो व्यक्ति सोतापन्न भी नहीं है, ना किसी को बना, ना किसी को बनाया उसने, बस मैंने किताब पढ़ा है और मैं लोगों को बता रही हूँ कि मैं धम्मदान दे रही हूँ। तो ऐसे के बारे में आप क्या बोलोगे? ये मैं वही कहा ना, वो नहीं होगा। अच्छा अच्छा, वो नहीं होगा क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन सिखाने के लिए वो खुद सोतापन्न होना चाहिए। यस यस। दूसरा, उसको पता होना चाहिए वो सोतापन्न है। तीसरा, अगर कोई भंते ने उसके साथ डिबेट करके और उसने कहा कि ये सोतापन है, तो वो सोतापन है जी। जैसे मेरे साथ हुआ था, जब मैं श्रीलंका में गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, तो वो मोनेस्ट्री के बाद, वो जो आरा में गया था मैंने, उसके बाद में एक और विहार गया था अनुराधपुर में, जहां पे हमारे डिबेट चली कि धम्म के लिए। और उससे पहले ही जो विशाख का जो ये था, वो लोग पोया डे कहते हैं उसको, मतलब
पूर्णिमा का जो दिन था उनको क्या लगा मुझे पता नहीं, वो जो बड़े भंते जो थे उनको मुझे, उन्होंने मुझे 5 मिनट भी बात नहीं किया, सिर्फ उन्होंने, मेरा दोस्त ने कहा ये इंडिया से आया है, ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, उन्होंने मुझे ऐसा देखा, फिर 2-4 बात किया तो मैं जो उनको थोड़ा ही समझा दिया कि थोड़ा ही बताया कि मुझे ये आता है। तो उस दिन जो श्रावक थे या जो वाइट क्लॉथ का जो थे उपासक, उनका टर्न था कि एक वो जो थेरो होते हैं उनको छतरी पकड़ना। तो मुझे वो कस्टम वगैरह पता भी नहीं है सचमुच में, जैसे श्रीलंका में चलती है या ये जो थेरवाद का जो चलती है वो मैं तो करता भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। तो मेरे दोस्त ने कहा एक मिनट ठहरो, वो कुछ आपको कहना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इस बार ये लेके जाएंगे, वो नहीं करेंगे, उनको तुम बता दो। तो एक इनका भंते का जो चेला जो होता है वो उसने उनको बताया कि आज का आप नहीं करने वाले, फॉरिनर जो आया है वो करेगा। फिर वो लोग आके इनसे बात किए मेरे दोस्त से, ये कैसा हो गया, ये हमारा टर्न था, ये आपको दोस्त को क्यों दिया। उन्होंने कहा वो बड़े बनते के ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा इनको दो, इनको ही देंगे अभी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप ऐसा पकड़ के जाना है और आगे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, जैसे ये थेरो जाते हैं वही स्पीड पे जाना है, और इनका जो पाद का जो स्पर्श होता रहेगा वो आपको देखना है, और जो लोग पानी डालते हैं या फूल चढ़ाते हैं वो देखना है। ठीक है, मैं वैसे जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगा। तो उनको वहाँ से पूरा जहाँ पे हमारा वो जो प्रवचन का जो हॉल है तक लेके गया, फिर उनको बिठाया, फिर वो छतरी लेके गए, फिर वो मैं ध्यान में बैठा। तो वो भंते ने, वो जो थेरो थे मुझे देख रहे थे, तो ये पूरा 1 घंटे के ऊपर हुआ उपोया का। होने के बाद प्रसाद वो जो खाने का जो होता है वो सारे दिया, जो भोजन का था। देने के बाद उन्होंने कहा कि इतने आसानी से कैसे बैठ सकते, कि मुझे भी टफ होता है, तो इनसे मुझे बात करनी। तो मैंने, उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने कहा मैं इसीलिए इनको यहाँ पे लेके आया हूँ, जितना भी बात करना है बात करो, कि आपसे मिलने के लिए ये आए हैं। तो मुझे तो सिनाला नहीं आती है और उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरा दोस्त है इंटरप्रेटर। तो उन्होंने एक इल, इल, इनका सारा भोजन का होने के बाद ये लोग चले गए। फिर चले जाने के बाद हमारा पास करीबन 5 घंटे का टाइम था, तो हमारा डिस्कशन चालू हुआ। वो पूरा जितना भी ये थेरो के ग्रुप थे वो लोग आ गए, और मैं, मेरा दोस्त, और मैं इंग्लिश में बताऊंगा, वो इसको सिनाला में बताएंगे, वो सिनाला से इन या इन, इनको सिनाला में बताएंगे, वो मुझे इंग्लिश में बताएंगे। तो ऐसा ही हमारी चला। वो 2 घंटे के बाद वो बड़े भंते उठ गए। तो मैंने कहा, मैंने सोचा मैंने इनको कुछ डिसरेस्पेक्ट किया, क्योंकि हमारा बहुत गर्म से चल रहा था। तो उन्होंने मेरे फ्रेंड को कहा देखो मैं इतने लोगों से बात किया है, ऐसा व्यक्ति मुझे एक बार भी नहीं मिला है जो ले फॉलोअर है और मुझसे इतनी बात करे धम्म के बारे में, कि ये पढ़े बिना, मैंने उससे पूछा तुमने कहाँ से पढ़ा है, वो पढ़ा नहीं है पर उसको जानकारी है, तो ये सोतापन है। मेरे दोस्त ने कहा तुम तो छा गए यहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं तुम सोतापन हो। तो मैंने सोचा इसको ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, मुझे ही पता होना चाहिए सोतापन कैसे बनते हैं। इसलिए वापस आने के बाद मैंने वो सूत्र लिया जिससे सोतापन का आपको स्वयं एक्सपीरियंस होता। और ये बात भी देखिए, जब भी वो किसमें है सर सूत्र, आपने बताया क्या, बहुत सारा सूत्र स्टार्टिंग में सारे लोगों को बहुत सारे सूत्र बहुत सारा सूत्र मैंने भेजा है।
ओके, फिर भी भेज दूंगा, उसमें क्या है। ओके थैंक यू, मेरे पास बहुत पड़े हैं, उससे कोई होता नहीं। आपको अगर खुद जानना है तो पढ़ना है, जान सकते हो। मैंने बेचा था, एक भेजा था जो सोता पत्ती फल सुत करके ही है, कैसे आपको समझ में आता है। और परिनिब्बाण सुत्त है, वहां पर भी बुद्ध कहते हैं कैसे पता होना चाहिए आपको आप सोतापन है कि नहीं। हमने बहुत बात भी किया है और यवतमल में भी बात किया है। हाँ सर। और दूसरी चीज ये होती है कि जब भी सिखाएंगे जो सोतापन है, अगर सिखाएंगे मतलब जो सोतापन्न नहीं बने हैं उनको सिखाएंगे, उनको इतना प्रेरणा हो जाएगी कि उनको अजीब लगेगा इनके जो सिखाने का सिखाएंगे तो उनको अजीब लगेगा, मतलब उनको खुलना चालू हो जाएगा, वो उनको एक्सपीरियंस चालू हो जाएगा। तो मैं पहले भी कह रहा था, मैंने सुप्रिया जी को जब भी वो मिली तभी उनको मैंने कहा था एक महीने का देखो, इसलिए कहा था कि आप लोगों को देखना है, ब्लाइंड फेथ में करना नहीं है कि ये अच्छा सिखाते हैं शायद, इसमें शायद वायद वो नहीं होता है, है तो है नहीं है तो नहीं है, बस इतना ही है। अगर कोई सोतापन्न नहीं है और सिखाने की कोशिश भी करता है तो अच्छी बात है, पर उससे असर नहीं हो, वो धम्मदान नहीं है, ऐसा मैंने मुझे पूछना था कि वो धम्मदान नहीं कहेंगे नहीं, जैसे आप दे रहे हैं मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आपका धम्मदान है, तो वो जो बता रहे हैं वो नहीं है ना, फिर वो धम्मदान नहीं होगा क्योंकि वो सोतापन नहीं है, सिंपल है। लेकिन हमें, हमने क्या किया अभी, हम क्या सुनते हैं पढ़ाई में कि धम्म बताते हैं तो धम्मदान करते हैं, सबसे श्रेष्ठ धम्मदान है, तो जो कोई हर कोई फिर वैसे ही दे रहा है ठीक है, और फिर मैसेज क्या पहुंच रहा है कि बाप रे वो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो इसीलिए मैंने अभी आप पूछते बोल रहे तो मैं आपको पूछा मैंने ये बात, देखिए क्योंकि वो किताब से पढ़ा हुआ है, किताब निकाला है मैंने देखा है और मैं आपको बता रही, सामने वालों को बता रही हूँ। मुझे समझ में आया, दर्पणा जी सुत्त में ही है, बुद्ध कहते हैं मैंने इतनी प्रेरणा होके भी सिखाया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने मुझे पूरा जर्नी खत्म करना था फिर सिखाना था। सही सर। और एक और सूत्र है, सोतापन्न उत्तजन को सिखा सकता है उसके ऊपर नहीं, सकदागामी सोतापन्न को सिखा सकता है, पुत्तजन को सिखा सकता है उसके ऊपर नहीं, अनागामी सकदागामी सोतापन्न पुत्तजन को सिखा सकता है उसके ऊपर नहीं, अर्हत चारों को सिखा सकता है और मैं अर्हत नहीं। मुझे खुद पता है, अगर मैं कहूं मैं अर्हत हूं मुझसे पागल आदमी और कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ ये राह में तो हूं पर अर्हत नहीं हूं। हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, हमें सिखाते सिखाते हमारे हमें सिखाते सिखाते आपके पीछे पीछे हम भी फल प्राप्त करेंगे और आप अनंत जरूर हो जाएंगे सर। दर्पणा हमारे सबका दर्पणा जी मैं आपका आभारी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप इतना मुझे आशीर्वाद आप लोग दे रहे हो, अच्छी बात है, पर सच ये है मैं अर्हत नहीं हूँ, वो झूठ होगा। अगर मैं कहूँ मैं अर्हत हूँ तो झूठ होगा, और धम्म में झूठ नहीं कह सकते। सही सर, सही। अगर किसी को सुनने के बाद प्रेरणा हो रही है, उनको पूरा स्वभाव चेंज हो रहा है, तो ये साबित होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सोतापन है जी। उसके आगे मिले तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो थैंक यू, इसीलिए जो हमने अभी जो कनाडा का जो चैनल खोला है उन लोगों के बारे में मैंने वही कहा, ब्लाइंडली मत लो, मैं सिखा रहा हूं आप हिंदी में सिखाते हो, इंग्लिश में सिखाते हो, यहां पर भी अच्छा सिखाते हो, नहीं, पहला परखो, देखो
ये है या नहीं, नहीं है भागो मत रहो, क्योंकि आपका मुक्ति का मार्ग में ये बाधा बन जाएगा। बस इतना ही है, हमें कुछ पर्सनल नहीं है इसमें, कुछ भी पर्सनल नहीं है। आप लोगों को मुझे दोनों को मुक्ति चाहिए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग प्यार कर रहे हैं या हम लोग एक अपना एक क्या कहते हैं, एक लोगों का एक ढेरा बना रहे हैं कि इतने लोग आ जाएं, मेरा सब्सक्राइबर बेस 10,000 हो जाए और मेरा स्टूडेंट्स अभी 100 के ऊपर कुछ है, तो ये हिंदी वाले ये 1,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, फिर मैं कहूँगा मेरे लोग कितने लोग हैं, क्या 1,00,000 है मेरा। 1,00,000 हो या 1 हो, तुम सोतापन हो या नहीं हो, और हो तो कैसे प्रूव करोगे, और नहीं हो तो सिखा नहीं सकते, सिंपल। और सिखाएंगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है, इतना तो गारंटी है। आप जितना भी सिखाओ कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो जो सुत में मैं बता रहा हूं, अगर कोई पूछेगा इसको कैसे करेंगे तो क्या करो, चुप हो जाऊंगा या कुछ और कहूंगा, तो उसे नहीं बन। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, खूब खूब धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। और कोई, शायद इस रेट में तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो ये छठवा वाला ठीक है, आगे दे देखेंगे। और कोई, बहुत साल से हम भी उसी में पड़े थे सर, चक्कर में। अभी आप मेरे तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम भी मार्ग फल पर है, चल रहे, ऐसा तो लग रहा है। जरा और देखिए, और परखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद समझ में आएगा 100%। ये डिफिकल्ट नहीं है, पर ये है कि सही तरह से जानना पड़ेगा, बस उतना ही है। बुद्ध धम्म अगर डिफिकल्ट होता, समझो बहुत कठिन है, ठीक है, एक तरह से है, सही है। उसको बुद्ध कहते हैं दंडाभिन्न, स्लो प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस तो है, स्लो है। दंडाभिन्न दुख तो दो आता है, एक दंडाभिन्न मतलब उनको समझ में आ रहा है, बहुत स्लो आता है, बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे, बहुत टाइम लगाएंगे, फिर आए। फिर दूसरा दुख बहुत झेलने पड़ेंगे, तभी तो कहते हैं कि ऐसा कोई मिल जाए जो अच्छा कल्याण मित्र हो तो उनका जल्दी हो जाता। वो सुत में ही है, मेरी बात नहीं है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं है। नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, है तो हो जाएंगे। इसमें ऐसा मान्यता रखने की वाली बात भी नहीं है, कुछ मानना भी नहीं है। क्यों माने, तो मैं ये कह रहा था कि तावतिम समय जब जाएंगे, धम्म दान एक, पैसा या संपत्ति एक, धम्म दान जो दे रहा है, चाहे वो पैसा दे या संपत्ति दे या ना दे, पर जो दान में धम्म दे रहा है, जो सोतापन है, सोतापन पहले बना है और जो दान दे रहा है, तो वो तावतिम्स में पहुंच जाए। ठीक है। और एक और चीज होता है बुद्ध धम्म संघ, ये थोड़ा अलग है, ये चतुर महाराज के ऊपर है, इसलिए इनको
बुद्ध धम्म संघ तीनों का इतना समझ रहेगी कि कहीं से भी पूछो तो उसको उत्तर देंगे, ठीक है ना। लाइफ में वो करते भी रहेंगे और बुद्ध धम्म संघ से जुड़ के रहेंगे, मतलब उनको धम्म अच्छी तरह से आता है, ठीक है। तो यहीं पे रोके फिर? नहीं सर, और लीजिए ना। और 10 तो डाल दीजिए, और 2 ले लेते हैं सर। 2 बता दीजिए और आगे। नहीं, आगे आगे वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये तो काम का जो है, काम धातु वाला जो है, में आता है यामदेव। यामदेव होने के लिए 2 चीज चाहिए। एक है खुशी में रहना, और जो व्यक्ति खुशी में रहता है, अपने आप में संतुष्ट होता है, जो मटेरियल पोसेशंस है उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, तो वो बन जाता है यामदेव, ठीक है। और उसका जो व्यापाद नहीं होता, यहां से व्यापाद कम होता। जो दो चीज हो सकता है, एक ये सोतापन्न के बाद सकदागामी लेवल पे भी आ जाएंगे तो व्यापाद कम हो जाएगा, ये यहां जा रहा है यामदेव के, तो भी उसका व्यापाद कम होता जाएगा। राग रहेगा तब अमछंद रहेगा, व्यापाद कम। जैसे व्यापाद कम हो गया, व्यापाद का मतलब व्यापाद, पाद का मतलब पैर, व्याप मतलब पीछे जाना, पीछे हट, ये जो क्रोधित होना या इरिटेटेड हो या वगैरह वगैरह वगैरह, उससे ये बाहर आ रहा है। तो इसका 2 होता है व्यक्तित्व, एक है बहुत खुशी में रहेगा, दूसरा व्यापाद नहीं रहेगा। कैसे हमें समझ में आता है? उनसे चेहरे में जितना व्रिंकल्स आया है ना, वो देख लो, समझ में आ जाए। जितना क्रोधित होते हैं उतना व्रिंकल्स जाता ज्यादा बढ़ता जाए। अगर वो फाउंडेशन भी लगाएंगे तो वहां पर भी आएगा, या जब भी वो क्रोधित होते हैं उनका चेहरा इतना चेंज हो जाए। एक फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, आपको समझ में, एक छोटा वाला सेल्फी, फिर देख इतना व्रिंकल्स आया देख। और जो खुशी में है उनका फोटो ले लो, आपको समझ में आ, उसमें व्रिंकल्स नहीं होता है। जब आप खुशी में रहते हैं व्रिंकल नहीं आएगा, कुछ भी त्वचा में कहीं पर भी व्रिंकल नहीं होगा। अभी मेरा दिखाता हूं तो मेरे माथे में ऐसा होता नहीं है, स्टिफ है, ये ऊपर ऐसा करूंगा तो भी नहीं होता, तो व्रिंकल नहीं आएगा। तो एक और चीज है, अगर वो स्वतापन्न सकदागामी है वो खुशी में तो रहेगा और हर किसी को खुशी करता रहेगा, आप देख लो। और जो आप कह रहे दर्पणा जी सिखाते हैं, तो वो कैसे सिखाते हैं? अगर वो बहुत खुशी में सिखाते हैं तो वो भी आपको लग जाएगा, इससे भी पता चलता है। फिर लास्ट में अभी फिलहाल के लिए, आज रात के लिए यहीं पे खत्म करेंगे, तुसिता देव, क्योंकि के बाद में, बाद से तुसित
तुसी मतलब संतुष्ट, तुसित तब पूर्ण तरह से संतुष्ट, कंटेंटेड। तो इनमें क्या होता है कि जब मनुष्य होते हैं इनमें बहुत ग्रैटिट्यूड फीलिंग आ जाती है। ग्रैटिट्यूड मतलब तब ये जो कृतज्ञता भाव जो होती बहुत आती और ग्रेटफुल रहते हैं। कुछ भी मिला तो ऐसा बना देते हैं सचमुच में कुछ ऐसा मिल गया, वो छोटा भी चीज हो सकता, हर छोटे चीज को इतना बना देंगे कि लगेगा कि इतना क्या मिल गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला होगा फिर भी। तो ये बनते हैं कंटेंटेड, तुसित संतुष्ट। जब ये संतुष्ट बन जाते हैं आरोग्य आ जाता है, आरोग्यम परमम लाभम। तो उनका आरोग्य बहुत ही सेहत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसे करते रहे तो बोधिसत्व बन जाएंगे या बोधिसत्व बन जाएंगे उसी समय। और जो मनुष्य का रूप लेना चाहता है, बुद्ध बनना चाहता है, तुसित में होता। अगर कोई मुझे बुद्ध बनना है करके अधिष्ठान लेना है तो अभी ले सकता है, मनुष्य जब भी बना है तो वो ले सकता है कि मुझे बुद्ध ही बनना है। तो कोई अर्हत या कोई बुद्ध ऐसे मिल जाएंगे वो कहेंगे कि कभी तुम बुद्ध बनोगे, जैसे दीपंकर बुद्ध ने सुमेध को बताया था, ऐसा हो जाए। तो ये तुसित एक कामलोक का ही है ऊपर। कोई क्वेश्चन? हाँ जी कुंदा जी। मैं क्या बोलती हूँ कि अभी तुषित देव में पहुंचना है तो उसके लिए सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी ये पहले बनना पड़ेगा ना? ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए अगर हम मैं सिखाने की बात करूंगा तो सोतापन्न चाहिए, अगर नहीं है तो बुद्ध का आपने तरह से सीखा है सोतापन तो बन गए। सोतापन बनने के बाद आपका जो इतना रिफाइनमेंट होता जाएगा, मन जितना आप शुद्ध होना चालू हो जाए वो ऊपर 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 तक, इसलिए बुद्ध कहते तदुपरी मतलब इसके ऊपर। इसे आपने उपोसत्त सूत्र में भी देखा होगा, तदुपरी एक वर्ड यूज करते हैं, तदुपरी इसके ऊपर। तो अगर आप उपोसत्त सही तरह से कर रहे हो तो सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी तीनों हो जाओगे, वहां पे भी हो जाओगे। पर वो मृत्यु के बाद समझेगा ना क्या होगा, कौन से देवलोक में गए? देखिए ऐसा नहीं होता है, आपके मन अभी आपको समझ में आना चालू हो जाएगा आपका मन किधर है। इसीलिए मैंने नीचे का पहले बताया कि हम अपने आप में देख सकते हैं, किसी और में देख सकते हैं, वैसे ही जो ऊपर की अवस्था होती है वो अभी हम बाकी लोगों में भी देख सकते हैं, अपने भी में देख सकते हैं। एक बात सुन लीजिए, आपने किसी से मिले बहुत खुशी, क्यों खुशी हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, 100% आप पकड़ लो आपने एक देवलोक की व्यक्ति से भेंट हो गया, इतना ही है। इसलिए मैंने कहा आज आपको देवलोक कैसे देखते हैं वो समझा दूंगा। वो देवलोक का जो व्यक्ति है वो मनुष्य का रूप में है,
पर उनसे मिलने के बाद आपको खुशी नहीं होना चाहिए था। हर किसी से हमें खुशी नहीं होती है, पर इनसे मिलने के बाद इतनी खुशी हो रही है कि समझ में नहीं आ रही क्या करूं। ऐसा होता है। और या दूसरा होता है, जैसे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो मन स्टेबल होता जाएगा उनका, जो मिलते हैं ना उनका, तो लगेगा कुछ अजीब आदमी है ये, मुझे बॉडी में ऐसा अजीब फीलिंग क्यों आ रहा है, ये भी होता है। तो ये देखने वाली चीज है, ये बताने वाली चीज नहीं है। फिर हमें समझ में आएगा कि कौन सी देवलोक का है, मतलब दूषित का है, नीचे का है, तो हमें तभी समझ में आए। ये हमें इसलिए जानना है कि हम जिससे मिले वो लोक में जा रहा है, अगर वो लोक में जा रहा है तो उनको फॉलो करेंगे तो हम भी वहीं जाएंगे, सिंपल है। तो मरने के बाद या मरते दम करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ये है कुमारकश्यप, उनका एक सूत्र है, वो पढ़ लो, उसमें पूरा है। उस दिन मैंने लिया भी था, जब ही यवतमल में थे वहां पे लिया भी था वो सूत्र का, देख लीजिए। हाँ जी, कल्पना सहारे जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। बताइए। जो मनुष्य के नीचे है 5 तक के, उसी को रूप है, बाकी ऊपर वाले को रूप नहीं है ना सर? नहीं नहीं, काम लोक में रूप है, इसके बाद में रूप लोक आता है, फिर उसके बाद में अरूप लोक आता है। अच्छा, जो अपन अभी बता रहे हैं वो रूप लोक का बता रहे हैं? काम लोक का बता रहा हूँ, रूप लोक का नहीं। काम मनुष्य के ऊपर जो हाँ जी मैडम जी, मनुष्य का जो ऊपर का लोक है उसमें रूप तो रहेगा, पर ऐसा शरीर नहीं रहेगा, बस उतना ही है। हाँ, वही 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 पूछ रही थी कि वो रूप स्कंद नहीं रहेगा। क्या बात करती है, रूप तो ऊपर तक है। नहीं, लेकिन वो बॉडी बॉडी नहीं रहेगी ना, शरीर नहीं रहेगा। अरे बाबा, शरीर रहेगा, अलग सा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, जैसा हमारा अलग रहेगा, फिर वो भी हाँ। ले लेंगे, जब भी हम परसों मिलेंगे, थर्सडे मिलेंगे, तभी मैं बता हाँ। दूंगा कि अपना ह्यूमन का शरीर कैसा है, देवलोक का शरीर कैसा। ओके, पहले इतना तो तय कर ले, पर बाद में मैं कौन सा शरीर क्या वगैरह वगैरह बता देंगे। ओके, क्योंकि ब्रह्मलोक जो है, कल्पना जी क्यों ने, क्योंकि आपने मुझे पूछा है, 16 ब्रह्मलोक है, और 16 ब्रह्मलोक में रूप का ही है, वो रूप लोक है। फिर आता है और ब्रह्मलोक कौन से नंबर पे? ए बाबा, 16 नंबर है, 16 है ब्रह्मलोक। अच्छा, 16 नंबर, 16 है। अच्छा, हाँ। 16 नंबर हाँ। नहीं है, 16, 16 है। हाँ हाँ, यानी ब्रह्मलोक के ही 16 है। हाँ जी हाँ। फिर आएगा 4 अरूप, वो आकाशन चायतन, विज्ञानन चायतन, अकिंचायतन, नेव सन्य नासन्य। अच्छा, वो 4 बना के 31 होता है। अभी तो हम 8वें में है मैडम जी, अभी ठहरिए, 31 तक जाना है। ऐसा समझो एक लिफ्ट है, एलिवेटर, इसमें 31 नंबर है। अभी हम 8वें में है, वो सिर्फ 8 मंजिल है। हाँ, वेट करो सर, मैंने कल परसों ये वीडियो देखा है, मैं भेजती हूँ ग्रुप में, बारे में अच्छी जानकारी दी है, बराबर है क्या बता? अरे बाबा, अभी मत भेजो, ये टाइम भी नहीं है, बाद में भेज देना, पहले ये खत्म करेंगे तो, नहीं तो वो तो सचमुच में फालूडा हो जाएगा। रोहिणी जी को मुझे फालूडा, फिर मैंने रोहिणी जी को पकड़ना पड़ेगा।
फालूदा के लिए, अभी मुलुंड में तो जाना ही है अगले साल। बहुत टाइम के बाद फालूदा सुना है सर। हाँ हाँ, तो फालूदा खा लेंगे आप। अच्छा लगा सर फालूदा। माही में जाएंगे और खाएंगे, सॉरी माही में नहीं, मुलुंड में जाएंगे। मुलुंड वेस्ट में दो दो खाएंगे, एक से तो भरेगा नहीं, दो दो खाएंगे। सबको समझने में इजी है इसलिए बोल रही थी। हाँ जी, सबको समझने में इजी है इसलिए बोल रही थी। हाँ ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जो सुत्त में है वो खत्म कर ले, फिर बाद में जो कोई कह रहा है उसको बाद में देखेंगे। हाँ जी सर, रविंद्र जी सर, आपको ट्रैवल करना है शायद। हाँ कल जा रहा हूँ, कल दोपहर को जा रहा हूँ। अश्विन जी आएंगे स्टेशन में, फिर हम दोनों का धम्म चर्चा होगा, फिर ध्यान होगा, फिर सीधा एम्बेसी जाएंगे, फिर वीसा लेके घर आएंगे। सर आप कहाँ जाने वाले हो अंकल छोड़ के? आप लोगों को छोड़ के अमेरिका जा रहा हूँ, तो वहां से क्लास करेंगे। हाँ वहाँ क्लास लेने के लिए जा रहा हूँ, जैसे आप लोगों का यवतमाल में किया था। सुनिए कुंदा जी, सुनिए, जैसे आप लोगों का यवतमाल में किया था वैसा ही 21 दिन का शिविर हम कर रहे हैं अमेरिका में। 21 डेज का है। हाँ हमको भी जाए, आ जाओ करना सर, किसा ले लो, आ जाओ। इतने दिन हम अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे थे, क्या करे, हमको लिंक भेजना ना। क्या भेजू? भेजेंगे ना सर, लिंक भेजना। लिंक वही लिंक है, जब भी हम मिलेंगे तो मैं भेज दूंगा, आप आ जाओ। करते हैं जैसे यवतमाल में कर रहे थे वैसे ही तो करने वाले। ओके, अभी नहीं जा रहा हूँ, दिसंबर में जा रहा हूँ। ओके सर, वीसा के लिए कल जा रहा हूँ या परसों है, भी इंटरव्यू परसों है, तो वीसा के लिए अभी जा रहा हूँ। मेरा पहले वीसा था वो एक्सपायर हो गया, अभी मुझे फिर से वीसा लेना पड़ रहा है, तो फिर 22 तारीख दिसंबर, 13 तारीख तक जनवरी। हाँ जी सुभद्रा जी, सुभद्रा जी अगर आप बात कर रही है तो आपका म्यूट है। तो ऐसा भी पढ़ने में आया है कि भगवान बुद्ध ने त्रायंती श्लोक में अपने माता को अभिधम्म पढ़ाया। हाँ वो देखिए, वो अभिधम्म में जाएंगे तो तावतिम्स का आएगा कि उनकी माँ वहीं। सर वो बराबर है ना सर? हाँ बराबर है वो, सर वो बराबर है ना कहते? देखिए अभी पहले हम सुत्त में हैं, अभिधम्म पे नहीं जाएंगे अभी, वो उधर ही रहने दो। ओके ठीक है, मत बनाओ। हाँ फालूदा ज्यादा बनाएंगे तो अभी हमें 31 लेवल पे तो जाना है ना, पहले समझे तो सही, फिर बाद में तावत की माँ थी क्या थी वगैरह वगैरह, वो अभिधम्म वगैरह आएंगे, पहले ये तो समझ। 31 लोक क्या होता और अभी हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, वो इम्पोर्टेंट, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो मरते दम वही आएगा। अभी एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, अभी मैं मुझे तो बंद करना पड़ेगा, 10 भी बज गए। बंद करने से पहले एक बात कह ले, अभी मुझे वहाँ अमेरिका जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मन में वही दोहराता हूँ, तो जब भी वो वीसा ऑफिसर से मिले उत्तर देने में सही हो जाए, और
वो इतने थके रहेंगे क्योंकि उनका तो वही काम है 8 बजे से, वो लोगों को वही क्वेश्चन पूछना है, वही आंसर देंगे, कुछ ना कुछ देते रहेंगे, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो उनको उनका तनाव को देख, तो अगर मुझे उनको तनाव ज्यादा नहीं करवाना तो मुझे वैसे ही प्रैक्टिस करते, क्या होगा जब भी हम वहां जाएंगे तो वो प्रैक्टिस होने से आसान हो जाए, सीधा वही क्वेश्चन है। मैं अनागामी हूं या सकदागामी, वैसे ही ये प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करने से जब भी हम हमारा मरण जब भी आती है सीधा वहीं पे लेके जाए कि हमने प्रैक्टिस कैसे क्या किया है, 10 अक्षर दिया है और दम संगे हो तो प्रैक्टिस कर दिया, तो मरते दम कुछ और नहीं आएगा। जैसे मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि जैसे ये क्वेश्चन तो ये उत्तर दूंगा, ये क्वेश्चन ये उत्तर दूंगा, मेरे पास पहले वीसा था, उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा, अभी भी वही पूछेंगे, कुछ अलग नहीं पूछने वाले, फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे जा नहीं पाऊंगा कि हो जाए देखते हैं, नहीं सही तरह से प्रैक्टिस कर, क्योंकि वो जो पैसा खर्च किया है वहां के लोग जो पैसा खर्च किया उसका व्यर्थ ना जाए तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उनके खातिर करना पड़ेगा, और जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके खातिर भी करना पड़ेगा, उनके खातिर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बेचारे लोग 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे वही क्वेश्चन, इतने लोगों को कोई भी व्यक्ति हो जाए तरस खा के सब कंपैशन करुणा से, तो ऐसा, तो अगर मैं ऐसा प्रैक्टिस करूं परसों बहुत ही आसान, क्यों मन सही तरह से है वैसे ये प्रैक्टिस, इसलिए हमें प्रैक्टिस 31 लेवल का देखना है क्या है, कैसे कैसे जाते हैं, क्या करना, तभी वो साइड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो गुरुवार को मिलेंगे, बुधवार कल परसों तो मैं ट्रेन में हूँगा तो मिल नहीं पाऊंगा, प्रिया जी हो जाए सर आज का वीडियो डाल देना जाने से पहले का। हाँ हाँ मिल जाएगा, कल सवेरे ही मिल जाएगा। थैंक यू सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोगममेवान्ते भूरिपन्या तथा गतः। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोगममेवान्ते संदिट्टिकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोगममे संगं पुण्यं खेतं हनूत्तरोति। साधु।